हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपांशु भारती अपने चैनल टेक सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिशिंग के बारे में बात करने वाले। फिशिंग क्या होता है, ये कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि फिशिंग मछली पकड़ने वाला फिशिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले फिशिंग जो अटैक होता है, जो हैकर्स यूज़ करते हैं किसी का भी आईडी पासवर्ड बेसिकली लेने के लिए। तो मैं इसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि ये फिशिंग अटैक क्या होता है, आप इससे कैसे बच सकते हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, फिशिंग अटैक एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल अटैक है। हैकिंग के वर्ल्ड में ये बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसमें विक्टिम बहुत आसानी से फंस भी जाता है। तो दोस्तों, ये बेसिकली होता क्या है, ये एक तरह का जैसे मछली पकड़ना होता है, बेसिकली सेम टू सेम वही चीज़ है लगभग। बस यहाँ पर रियल मछली की जगह आप होते हैं या फिर हम होते हैं, मतलब कोई भी विक्टिम होता है जो कि होता है एक इंसान। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, जैसे कि आप फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप, खैर यहाँ व्हाट्सएप की बात नहीं करेंगे हम, व्हाट्सएप में लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होता, इसलिए फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो बेसिकली हैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स एक सेम टू सेम दिखने वाला पेज, जैसे फेसबुक का लॉगिन पेज होता है, आपने देखा होगा, तो जैसा सेम टू सेम फेसबुक का पेज होता है उसी टाइप का सेम टू सेम दिखने वाला लॉगिन पेज वो क्रिएट करते हैं। जो हैकर्स होते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम दिखता है और वो किसी भी बहाने से आपके पास सेंड करते हैं और आपको उन्होंने मैसेज में लिखा हुआ होता है कि आप इस पेज पे लॉगिन करें और अपना आईडी पासवर्ड या लॉगिन आईडी पासवर्ड कुछ भी चेंज करें। वो ऐसे आपको डराने के लिए कुछ भी लिख देते हैं और फिर आप उस पेज को ओपन करते हैं और वो बिल्कुल फेसबुक की तरह सेम टू सेम दिखता है, इसलिए आप उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते कि ये कुछ और होगा। तो आप उस पर लॉगिन कर देते हैं और आप जैसे ही लॉगिन करते हैं वो आईडी और पासवर्ड जो भी होता है वो हैकर्स के पास चला जाता है, क्योंकि उस पेज में ऐसा स्क्रिप्ट लिखा होता है, ऐसा पीएचपी स्क्रिप्ट होता है जिससे कि वो आईडी पासवर्ड हैकर्स के पास चला जाता है। तो हैकर्स इसमें बेसिकली पूरा प्रोसेस मैं बताता हूँ कि एग्जैक्ट क्या करते हैं। तो वो सबसे पहले एक सेम टू सेम दिखने वाला पेज क्रिएट करते हैं, जैसे अगर उन्हें फेसबुक का हैक करना हो या फिर ट्विटर का हैक करना हो या इंस्टाग्राम का, जिसका भी हैक करना हो, उसका सेम टू सेम दिखने वाला पेज वो क्रिएट करते हैं सबसे पहले। और उसके साथ एक पीएचपी लिंक अटैच करते हैं जिससे कि पीएचपी जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा हुआ होता है वो रन होता है उसमें, और वो सेम टू सेम दिखने वाला पेज आपको सेंड करते हैं। वो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने फ्रेंड को लिखूंगा कि ईमेल लिख दूंगा मैं उसे कि भाई मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और तू मेरा ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट था। जैसे कि आपको पता होगा फेसबुक में ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होता है, तो मैं उसे ये बोल दूंगा तू तू मेरा ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट था और तुझे फेसबुक बोल रहा कि इस आईडी पे इस पर लॉगिन कर और फिर मेरे को एक कोड बता। और फिर मैं उसे नीचे ये लिंक दे दूंगा अपने पेज का जो मैंने फेसबुक के जैसा देखने वाला सेम टू सेम क्रिएट किया है, और वो उसे मैं सेंड कर दूंगा। वो मैं मुझ पर विश्वास करके वो पेज ओपन कर लेगा, और पेज ओपन करेगा तो वो ज़्यादा यूआरएल पे ध्यान नहीं देगा, वो बस ये देखेगा कि हाँ हाँ सेम टू सेम फेसबुक जैसा पेज है और उसने लॉगिन करने बोला था, लॉगिन कर देगा। वो लॉगिन जैसे ही वो क्लिक करेगा लॉगिन पे, जो पीएचपी स्क्रिप्ट था उसके साथ वो रन हो जाएगा, और रन होने के बाद जो आईडी पासवर्ड उसने एंटर किया था वो अपने आप ही मेरे पास आ जाएगा, मेरे सर्वर पे। तो दोस्तों, यही था बेसिक प्रोसेस जिससे कि हैकर्स यूज़ करते हैं और किसी का भी हैक करते हैं। तो बेसिकली आप इससे कैसे बच सकते हैं, तो बेसिकली बचने के लिए आप इन सब फालतू ईमेल्स पे ध्यान ना दें, इनको ध्यान से पढ़ें और एकदम वेरीफाई करके तब लॉगिन करें। और दूसरा सबसे मेन चीज़ जिससे आप बच सकते हैं तो वो है यूआरएल। जब आप दोस्तों, जब भी हैकर्स आपको ये पेज सेंड करेंगे तो उसका यूआरएल थोड़ा अलग होता है, जैसे फेसबुक का तो यूआरएल होता है बिल्कुल facebook.com नॉर्मल, पर अगर जो भी हैकर्स आपको सेंड करेंगे फिशिंग यूआरएल तो वो थोड़ा अलग होगा, कि स्पेलिंग में मिस्टेक होगा, हो सकता है वो ऐसे लिख दें facebook.com की जगह facebook.com लिख दें, जिससे कि आपका ध्यान जाएगा तब भी आप ध्यान से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि face00 एक वर्ड कौन देखता है, एक लेटर नहीं देखेंगे आप, तो ये हो जाता है। और बाकी हो सकता है कुछ यूआरएल में आईपी एड्रेस आ रहा हो, तो ये आप यूआरएल बिल्कुल अच्छे से चेक करें, facebook.com या ट्विटर जिसका भी उसने सेंड करा है, अगर वो instagram.com ऐसे ना लिखा हुआ हो तो आप उस पर बिल्कुल ही लॉगिन ना करें, जरूर जरूर उस पर एक बार अच्छे से कंफर्मेशन ले तभी लॉगिन करें, ऐसे आप बिल्कुल भी लॉगिन उस पर ना करें। और दूसरी बात, आप इससे कैसे बच सकते हैं, आप इसमें फालतू जगह पे कहीं पे भी लॉगिन ना करें, जैसे आप कहीं किसी पेज पे विजिट करते हैं वेबसाइट वगैरह पे और उस पर आपको बोलता है फेसबुक के साथ लॉगिन करो इस पर,
तभी इस पेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उस पे भी आप लॉगिन ना करें जल्दी, अगर आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो उस पेज पे विजिट करना तभी आप लॉगिन करें, वरना ऐसे आप लॉगिन कहीं भी ना करें, अपनी फेसबुक आईडी या फिर ट्विटर आईडी कोई भी। तो इस तरह से आप बच सकते हैं फिशिंग से, कहीं भी आप लॉगिन ना करें, या फिर आप जब भी आपके पास कोई ऐसा पेज आए तो आप URL चेक कर लें और तब लॉगिन करें। तो दोस्तों इस तरह से आप बच सकते हैं फिशिंग से। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया किस तरह से फिशिंग वर्क करता है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में अभी मैंने अपलोड करने वाला हूँ वीडियो किस तरह से फिशिंग आप अटैक कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वीडियो इसका। तो वो देखने के लिए आप ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल पे बने रहिए, कुछ दिनों में वो वीडियो आने वाली है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर मेरे से पूछें, मैं आपको पूरा रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपको कहीं भी अच्छा लगा हो वीडियो, तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। और दोस्तों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।